गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छी रहना गाइस। अभी फिलहाल गाइस सुबह के 9:42 हो रहा है गाइस, और अब जाके आज का ब्लॉग वगैरह स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो कहाँ से कर रहा हूँ गाइस, आप देख के समझ में आ रहा होगा आपको कहाँ से कर रहा हूँ मैं। हाँ जी गाइस, तो अब जाके ब्लॉग वगैरह स्टार्ट हो रहा था, मैं सोचा कि अब यहीं पर मैं आया था गाइस अभी सुबह सुबह, तो मैं सोचा कि अब आपसे बात बात कर ही लेता हूँ गाइस। यहाँ पर सुबह सुबह तो नहीं हो रहा है, लेकिन गाइस टाइम हो ही रहा है, 10 बजे ही नहीं अभी तक, तो सुबह सुबह है ना गाइस। तो फिर मैं अभी आया था शॉप वॉप पर, क्योंकि गाइस स्टार्टिंग में आना पड़ता है ना गाइस, सब आते हैं वो काम वाम करने के लिए, तो वही लोग आए हुए थे। तो गाइस अभी जस्ट मैं आया ही हुआ था, तो मैं सोचा कि अब यहाँ पे आया हूँ तो आज से ब्लॉग वगैरह स्टार्ट कर लेता हूँ गाइस। फिलहाल एक ट्रैक्टर जा रहा है जिसमें गाइस गाना बज रहा है, वो कॉपीराइट आ जाएगा, उसको जाने देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। हाँ जी गाइस, तो फिलहाल वो चल वल किया, तो मैं सोचा कि अब आपसे बात बात कर ही लेता हूँ गाइस, इसलिए मैं यहीं पर आया। तो मैं सोचा कि यहीं से आप ब्लॉग वगैरह स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर कहाँ जाऊँगा कहाँ, फिर घर जाके स्टार्ट कर दूँगा। इससे बढ़िया कि यहाँ बैठे ही हूँ, तो मैं सोचा कि बैठे बैठे कर ही देता हूँ गाइस। खैर मैं जब आपसे मिला उसके बाद थोड़ा सा लेट ही हो गया गाइस, मतलब अभी 10:07 हो गए, तब जाके स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। थोड़ा सा एक्चुअली में वो बगल वाले शॉप वाले भी आ गए थे गाइस, तो उन्हीं से बात बात करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो उस थोड़ा देर रुक के ही मैं अभी स्टार्ट वगैरह कर रहा हूँ गाइस। अभी तक नहाया हुआ नहीं हूँ, तो मैं बता रहा था गाइस कि अभी तक मैं नहाया हुआ नहीं हूँ, अभी घर जाके नहाना वाना है गाइस। क्यों नहीं नहाया, क्योंकि मैं अभी आ ही रहते हैं। वो दी का क्लास आज भी था गाइस, दी का क्लास तो संडे आएगा आज, लेकिन गाइस आज भी था गाइस, तो आज एक्स्ट्रा क्लास था, तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा था। गाड़ी है गाइस, उसको जाने देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। बहुत तेज़ आवाज़ करता है गाइस कभी कभी, ये सब गाड़ी जो होता है ना, ठेला वाला गाड़ी होता है उस टाइप का गाइस। तो ये वाला शॉप तो आज बंद है गाइस, ये वाले नहीं, वो बगल में जो बस वाला काम होता है ना गाइस, वो वाला शॉप पे है जो वो बात कर रहे थे। देख पा रहे गाइस कितना वो रोड, अगर गाइस पता है वाला रोड अगर स्टार्ट हो गया ना गाइस, उसकी वजह से बहुत अच्छा हो गया गाइस। यहाँ पर एकदम मस्त आवाज़ वगैरह कम आता है इस रोड में, अभी आता तो है ही, लेकिन बहुत खाली खाली हो गया गाइस। इधर तो जाता था खाली, तो बहुत और जब ज़्यादा धूल भी उड़ता था गाइस, और दिक्कत भी होता था। अब यहाँ ठीक हो गया, फर्स्ट क्लास गाइस, ज़्यादा धूल भी नहीं होता। खैर गाड़ी तो उधर तरफ लगा है, ये नहीं है गाड़ी उस तरफ लगा हुआ है, नहीं तो ऊपर पे ही रहता था गाइस। तो पहले ऊपर में रहने पर पूरा धूल धूल हो जाता था गाइस, तुरंत ही तुरंत ही। अभी देख पा रहे हैं गाइस कितना शांत है, देखिए गाइस गाड़ी उधर से चली गई तो आवाज़ भी नहीं आया, और शांत था। इधर से जाने पर पूरा किचकिच होता रहता था, एकदम धूल भी उड़ता था पूरा बदन पर। तो यही सब सीन था गाइस, तो मैं बता रहा था कि अभी मैं नहाया हुआ नहीं था, तो इसलिए गाइस अभी मैं यहीं पे आ गया था। उसके बाद विरोध दी का भी क्लास था गाइस, आज भी एक्स्ट्रा क्लास था गाइस, आज एक्स्ट्रा क्लास था गाइस, तो आज कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा था। तो मैं बता रहा था गाइस कि मतलब वो दी का एक्स्ट्रा क्लास, तो गाइस ऐसे तो गाइस 2 घंटे की क्लास ही होता है, मतलब मैं जाता हूँ जैसे 10 बजे के आसपास, तो 10 बजे बोल रहा हूँ गाइस, 10:30 के आसपास जाता हूँ, 11 बजे से 1 बजे तक ही क्लास रहता है। आज गाइस सुबह 8 बजे से गाइस 12 बजे तक का क्लास है आज गाइस, कुछ ज़्यादा ही 4-5 घंटे का गाइस क्लास वगैरह आज एक्स्ट्रा क्लास है, पता नहीं क्यों इनका ऐसा है। तो फिर वही मैं आज भी अगर 2 घंटे के आसपास होता तो मैं छोड़ के वहीं रह जाता गाइस, लेकिन गाइस ये 2 घंटा बहुत बिताना बहुत मुश्किल का काम होता है गाइस, इसलिए गाइस मैं आ गया आज 4 घंटे अभी, मतलब अभी कितना टाइम हो रहा है गाइस, 10:10 हो रहा है, तो 11:30 के आसपास गाइस निकलूँगा यहाँ से जाने के दीदी के पास गाइस। यहाँ पर ट्रैक्टर चलता है ना गाइस, उस पर बहुत गाना चलता है, और उसकी वजह से गाइस बहुत तेज़ गाना चल रहा है, और गाइस पक्का है कि कॉपीराइट आ जाएगा गाइस, इतना तेज़ आवाज़ आता है, हम लोग फुल साउंड में एकदम सुनते हैं गाइस। तो अभी भी आ रहा होगा आपको वीडियो में, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं उसका आवाज़ ना आ पाए, तो फिर कॉपीराइट बच जाएगा गाइस। अगर मैं एडिट करने से मैं देखूँगा अगर ज़्यादा आया होगा तो फिर थोड़ा सा इसको कम वम कर दूँगा गाइस आवाज़ वगैरह, लेकिन कम आना चाहिए क्योंकि इसका गाइस ट्रैक्टर कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है साउंड से ज़्यादा। तो यही सब सीन था, तो मैं सोचा कि अब आपसे बात बात कर ही लेता हूँ गाइस। आज यहाँ पर आया तो गाइस पहले ये वाला शॉप पर मैं बैठा करता था गाइस, पहले ये वाला भी शॉप अपने पास ही था गाइस, पहले यहाँ पर गाइस ये बालू वालू का शॉप था, उसके बाद गाइस ये फिर इसका शॉप हो गया, ये बक्सा वगैरह तो दिख रहा होगा आपको गाइस, इसका कंटेनर वगैरह का। उसके बाद गाइस अब ये भी शॉप रेंट पे ही चल गया है, तो ये जो ये बगल वाले रेंट पे लिए हैं गाइस, वही वाला तीनों शॉप ले लिए गाइस रेंट पे। अब जो भी होगा गाइस वो नए वाले शॉप पे होगा, जो नया वाला बन रहा है उस पे ही हो रहा है ये, पहले तो अब तीनों शॉप रेंट पे ही चल गया, बस ये वाला खाली होगा सामान वगैरह। उसके बाद गाइस वो भी रेंट पे, मतलब वो ले ही लिए रेंट पे। खैर अभी कुछ कुछ सामान वो वाले शॉप का सामान वगैरह रहता है ना गाइस, कुछ कुछ सीमेंट वगैरह जो पानी वानी से जैसे ख़राब हो जाता है गाइस, इस वजह से यहाँ पर रहता है। तो अब वो छत वत ढल जाएगा कल, जैसे मैंने दिखाया आपको कि छत वत का ढलने का काम हम चल रहा है, तो वो ढल वल जाएगा, उसके बाद फिर गाइस सब सामान तो उसी में रहने लगेगा, कोई टेंशन रहेगा नहीं। तो इसीलिए गाइस ये वाला चाबी अभी अपने पास ही है, फिर वो सामान वगैरह सब चल जाएगा, उसके बाद फिर ये चाबी भी चल जाएगा गाइस यहाँ से। तो यही सब सीन था गाइस, तो फिर अभी मैं यहाँ पे आया गाइस, अभी नहाऊँगा घर पर जाके, फ्रेश व्रेश होकर नहाता हूँ, उसके बाद गाइस नहावा के फिर खावा के फिर चलूँगा गाइस दी को लेके आ जाऊँगा। आज तो गाइस जाना है और आना होगा गाइस, आज तो बैठना बैठना नहीं है, टाइम पास होगा नहीं, तो इसलिए सब बढ़िया है कि अच्छा है गाइस। तो यही सब सीन था गाइस, इधर से स्टार्ट कर लिया, फिर पता नहीं गाइस कब मैं जाता घर, फिर कब करता गाइस, इसलिए मैं सोचा कि यहाँ बैठा ही हूँ,
कर ही लेता हूँ। ऐसे भी गाइस यहाँ बहुत अच्छा लाइट आ रहा है फेस पे गाइस, क्योंकि मेन आगे तरफ से लाइट आ रहा है ना, और धूप तो गाइस आफत वाला धूप है। हाँ जी गाइस, फिलहाल आप टाइम देख पा रहे हो गाइस 116 हो गया, और अब जाएगा थोड़ा सा मैं शॉपों पे फिर से आया गाइस। क्यों आया था आपको बता रहा हूँ, तो आगे चल के ये गाइस जो आपको ट्रैक्टर में दिखा गाइस मिट्टी वगैरह, वो गाइस एक्चुअली मैं यहाँ पे आया गाइस अनलोड होने के लिए। क्यों आया, क्योंकि गाइस ये जो आप देख पा रहे हैं, कल मैंने आपको जैसे कल वाली वीडियो में बताया था ना गाइस कि ये जो गड्ढा वड्ढा इतना सारा है वो सबको गाइस भरना बनना है, तो इसको भरने के लिए गाइस ये आया गाइस, तो मिट्टी वगैरह तो ये बहुत दिक्कत हो रहा है गाइस इसको करने बनने में, मतलब बैक पैक करने में, क्योंकि लोडेड है। तो आप देख पा रहे हैं गाइस कितना मैंने कभी उठ रहा है, और उठ उठ के अभी लोड वोड हो रहा है, तो गाइस देखने देखिए अब गिरना स्टार्ट हो गया। तो अब ये गिरेगा गाइस 3-4 मतलब 4-5 तो गिरेगा ही गाइस, आज 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 भर के लिए गिरेगा गाइस 3-4, बाकी आगे तो डेली के डेली गिरेगा गाइस 3-4 दिन तक। आप देख पा रहे गाइस मतलब देखिए ना गाइस कितना ईजी हो गया आजकल ना गाइस, पहले इसको हाथ से निकालना पड़ता था, अब तो गाइस ट्रैक्टर पर ही आ गया गाइस, लोडेड है अनलोडेड है, ऊपर के कर दीजिए केवल गाइस पूरा अनलोड हो जाता है गाइस। देख पा रहे हैं आप, देख के आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, तो अभी देख पा रहे हैं गाइस। अभी यादव पे अटक गया, तो फिर थोड़ा सा आगे तो बढ़ बढ़ के फिर से फिर बैक करेंगे गाइस, तो फिर वापस सारा चीज़ निकल जाएगा गाइस, थोड़ा सा आगे हो सकता है मुझे लग रहा जहाँ तक कि जाएंगे, उसके बाद गाइस हो सकता है खाली वाली करके भी आए पता नहीं गाइस मुझे। अब देख पा रहे हैं गाइस थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया आगे होगा गाइस, तो ये बताने जा रहे हैं गाइस ये भैया जो गए वो बताने जा रहे हैं कि कहाँ से होगा राइट राइट, और गाइस ट्रैक्टर का उल्टा ही चलता है गाइस। अब देख पा रहे हैं गाइस उसका बॉडी किधर जा रहा है, तो ये पीछे वाला जो डाला होता है गाइस वो कहीं और ही जाता है, मतलब अगर राइट साइड करने पे गाइस लेफ्ट साइड जाता है, लेफ्ट साइड करने पे राइट साइड जाता है गाइस डाला, ट्रैक्टर सारा का यही सिस्टम रहता है गाइस। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए गाइस पूरा एकदम राइट साइड गया तब जाके गाइस यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे लगता मुझे कि खड़ा कर देंगे वो लोग, देख पा रहे हैं गाइस कितना भयानक कर रहे हैं ना, मतलब अभी मुझे लग रहा है कि खड़ा वड़ा कर देंगे तो गिर उठ जाएगा गाइस, तो देखिए क्या होता है, देखिए देखिए जो भी होता है सीन आपको तो पता चलते रहे गाइस, मुझे लग रहा है जहाँ तक कि खड़ा ही हो रहा है। हाँ गाइस खड़ा ही हो रहा है, देखिए पा रहे हैं आप धीरे धीरे ऊपर हो रहा है, ऊपर वगैरह हो रहा है, तो आप देख के समझ में आ रहा होगा गाइस आपको। तो आप देखिए गाइस यही तो सीन है, तो मैं सोचा कि अभी आपको दिखाई दूँ गाइस, अब आया है आया हूँ मैं यहीं पर, तो मैं सोचा कि अब आपको दिखाई कर देता हूँ गाइस हो रहा है, मतलब अभी तो पहला ट्रिप है ये गाइस, और भी अभी तो 3-4 गिरेगा, तो आज के लिए गाइस 3 ही गिरेगा मेरे ख्याल से, फिर कल गिरेगा गाइस। तो देखिए हाँ जी गाइस अभी आप फिर से टाइम देखिए गाइस 2:06 हो गया, और अब जाएगा गाइस फिर से दोबारा आया गाइस वो ट्रैक्टर वगैरह आएगा, एक तरफ गिरा के चल गया, मतलब आया नहीं अभी आ रहा होगा रास्ते में होगा गाइस, क्योंकि देख पाएंगे इधर पे एक ट्रिप गिर के चली है गाइस, अभी दूसरा ट्रिप पे आएंगे तो फिर जाके गाइस वो गिराएंगे देख पाएंगे गाइस आप सब। अब वो रोड चली गए गाइस कितना शांत हो गया ना गाइस यहाँ पे, कि कितना आराम हो गया, और इतना अच्छे से बैठ भी पा रहे हैं ना गाइस सब लोग, ये देख के समझ में आ रहा है आपको, इतना आराम हो गया ना गाइस वो रोड को चली है, तो बहुत अच्छा हो गया गाइस एक तरीके से, बहुत अच्छा हो गया गाइस हम लोग के लिए, तौरी हो गया गाइस, आप इतना धूल उड़ता था ना उससे बहुत बचत होगा गाइस, और बहुत ही बचत होगा गाइस, मतलब अब देख पा रहे हैं गाइस। चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ, जब वो आते हैं तो फिर मैं आपसे मिलूँगा। हाँ जी गाइस अभी आप देख पा रहे हैं गाइस ये 2 ट्रेलर हो गया गाइस, ये अभी फिर से आए गाइस एक बार 248 में जाके गाइस अब जाके आए हैं, तो आप देखिए गाइस अब बैक वैक करके फिर से उसको गिरा रहे हैं, देखिए किस तरफ गिराते हैं पता नहीं गाइस, मुझे जहाँ तक हम उधर ही गिराएंगे लग रहा है गाइस, क्योंकि उधर ही बैक वैक कर रहे हैं तो उधर ही गिराएंगे शायद, देखिए क्या होता है जो भी सीन होता है देखते रहिए आपको भी पता चलते रहे। मैं सोच रहा गाइस डेली डेली आपसे बात करूँगा, उससे अच्छा है गाइस कि कभी अभी दिखा दूँ गाइस, तो अभी सेट वेट हो रहा है गाइस अब खड़ा वड़ा होगा, देख पा रहे हैं गाइस ज़्यादा उठ के गिर गया, उसके बाद भी मैं दिखा और आपको दोनों कलर अंतर दिख रहा होगा, एक तो गीला है गाइस जो अभी आ रहा है अभी गिर रहा है, और एक तो गाइस सूखा है, तो उसका ऐसा कलर है गाइस क्योंकि भींगने पर दोनों वही हो जाते हैं, तो एक ही चीज़ है कोई अंतर नहीं है, लेकिन गाइस एक तो है थोड़ा सा भींगा, एक तो है थोड़ा सूखा गाइस, वो 2 दिन गाइस धूप लग जाएगा ना वो भी ऐसे ही बन जाएगा सेम कलर में हो जाएगा। चलिए ठीक है मैं आपसे मिलता हूँ गाइस थोड़ी देर बाद।